गाइस मैं आज आप लोगों के साथ कर रही हूँ छोटी सी अपनी सेलिब्रेशन शेयर। तो ये है 2K की मेरी वीडियो, तो ये मैंने काफी पहले बनाई थी, अब जाके अपलोड कर रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी सना मकबूल और ये है हमारी छोटी सी वीडियो। तो मैं बना रही हूँ कपकेक, तो इसके लिए मैंने ली है मैदा। तो मैदे को मैं थोड़ा सा जनक कप के अंदर ग्रीस करके रख रही हूँ ऑयल के साथ। थोड़ा सा हल्का सा कप के अंदर मैं ऑयल लगाया और मैदे को मैंने हल्का सा इस पर जैसे छिड़क दिया, ताकि इस पर जो ना आराम से जो मेरा बैटर वगैरह है इसके अंदर ऐड हो जाए। तो मैंने सोचा मैं अपने YouTube फैमिली के साथ थोड़ी सी अपनी खुशियाँ शेयर करूँ और मैं ऐसे छोटे वर्ड सेलिब्रेशन कर लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें। अभी हमारे पास चीनी, चीनी को मैं पीस रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इलायची डाल दी है और चीनी भी मेरी एक कप चीनी होगी, एक कप हमारा होगा मैदा और हाफ कप हमारा होगा ऑयल और दो अंडे। देन इसके अंदर मैंने सेकेंड एग भी ऐड कर दिया, वो भी बेट हो रहा है, बेटर से ये अच्छे से बेट हो जाएगा। तो हम इसके अंदर जो है ना शुगर ऐड करेंगे। अब ये अच्छे से बेट हो गया है, तो मैं एक कप पूरा इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर ये भी एक टेक्सचर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला और ऑयल हाफ जो कप था वो, और दूसरी साइड पर मैं कर रही हूँ बेकिंग पाउडर मैदा था और ये है कोको पाउडर और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें बेकिंग सोडा जो खाने वाला जो होता है बेक करने का, तो उसको मैं अच्छे से जो ना स्टैंड करके जो है इसके अंदर ही मैंने ऐड करा और बेट कर लिया। हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और बेट करते जाएंगे। ये कम्प्लीट हो गया। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मैंने मिल्क ऐड करा है और ये पूरा टेक्सचर बन गया। अब मैं निकाली हूँ कप के अंदर, वो पहले से मैंने जो है पतीली के अंदर बनाऊंगी, मैं ओवन के अंदर नहीं बना रही। तो मैंने पतीली को थोड़ा गर्म करने के लिए पहले से रखा हुआ था और ये इसके साथ मैंने इसके अंदर रख दिया और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी ऐड करा और दूध। लेकिन हम ये बना रहे हैं ग्लूकोज बिस्किट को लेकर, हम उसको अच्छे से पीस लेंगे और ये उसी का जो बेटर बचा हुआ था तो मैंने उसी में इसको ऐड करा है। मैंने इसके अंदर कुछ नई चीज़ें नहीं डाली, उसी के अंदर मैंने ये दो चीज़ें भी ऐड कर दी। वो वाला अलग बना हुआ है, को ये चॉकलेट वाला बना हुआ था और ये थोड़ा नॉर्मल जो टी केक होता है उस टाइप का बना हुआ था। तो ये बेटर जो बना था उसके अंदर मैंने एडिशन कर रहा था और सेम वही प्रोसेस है, इसके लिए कोई अलग टेक्निक नहीं थी। और बिस्किट इसमें बस मैंने ऐड करे हैं, एडिशन इसमें ये था और ये अब वो निकल जाएंगे। तो मैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप चेक करते रहिएगा टूथपिक की मदद से, ताकि जो ना वो उसके पता चले आपको ये कब के रेडी है या नहीं रेडी। तो ये हो गया है हमारी क्रीम, वो इधर मैं चेक कर रही हूँ। तो इसको मैं टूथपिक की मदद से चेक करूँ ताकि इसमें जम तो नहीं रहा लग तो नहीं रहा, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। और सेकेंड भी मैंने इसी तरह दिए है और दूसरी साइड पर मैं अब ये क्रीम बीट कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर लगाऊँ। तो ये छोटा मेरा एफर्ट था, ये मेरे 2K कम्प्लीट हुए थे तो मैंने सोचा ये मैं कर लूँ और मुझे अच्छा लगता है। वैसे इतनी टेंशन वाले जो माहौल हो रहा था, थोड़ा सा ये ऐसी सेलिब्रेशन हो जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है, खुद को फील होता है। और मैं वैसे ही अपने बर्थडे वगैरह भी खुद ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ, खुद ही केक लगाती हूँ, खुद ही बनाती हूँ और खुद ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की सपोर्ट थी, आप लोगों का प्यार था। और ये आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। छोटी छोटी खुशियों में बच्चों ने एफर्ट किया, बलून वगैरह फुला रहे थे। एक बात तो बताना भूल गई मैं आप लोगों को, और इसमें मेरी नेस ने बहुत हेल्प की है, कपकेक बनाने मेरे साथ खड़ी रही फुल टाइम। आई होप गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अपने दुआ में मुझे याद है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ठीक है, लव यू, बाय।